हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएड करने वाले छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती की हाल ही में निकाली गई एकमात्र ऐसी शिक्षक भर्ती है जिसमें उनको सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है 69,000 प्लस बीएड को लेकर, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और ये जो मुद्दा संबंधित है वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ही बीएड के बारे में है, क्योंकि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश जारी किए हैं, एक 11 अगस्त 2023 को और एक 8 अप्रैल 2024 को। दोनों आदेश में बीएड से संबंधित फाइनल आदेश ये निकाला गया है कि जो बीएड करने वाले पहले से चयनित अभ्यर्थी थे, अगर उनकी नौकरियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उनको बाहर कर दिया जाए, है ना। अगर उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो उनको बाहर न किया जाए। लेकिन हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक ऑर्डर जारी हुआ था जिस ऑर्डर के अंदर भी बीएड को लेकर बात की गई थी। होता क्या है कि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो 50 पेज या 60 पेज या 70 पेज का होता है और उसमें आप सभी के लिए जानकारी तो बहुत सारी लिखी होती है। अगर मैंने आपको एक 35 मिनट का वीडियो बनाया भी था जिसमें पूरे के पूरे ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी दे दी थी, अगर आपने वो देखा होगा तो काफ़ी हेल्प होगी, और नहीं देखा तो और ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसमें पूरी आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। असल में मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे जो आप सभी के लिए ऑर्डर जारी किया गया था, इस ऑर्डर के अंदर एक लाइन में बीएड को लेकर डिस्कशन किया गया था और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे इसको लेकर पूछा कि सर इसमें बीएड के बारे में बात की जा रही है तो क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जगह पर बीटीसी को नौकरी मिलेगी, ये ऑर्डर में क्यों कहा गया है या ऑर्डर के अंदर क्या कहा गया है, इस पर थोड़ी सी बात की जाए। अब मैं आपको मेन जानकारी बीएड को लेकर ही बताऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब जो आपको पहले बताया गया है उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में यहाँ क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। पहले हम उसी लाइन में चलते हैं जहाँ पे बीएड को लेकर आप सभी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बारे में जानकारी दी गई है। बस देख लो एक बार, चलो मैंने आप सभी के लिए पूरा पेज निकाल लिया है। अगर आप इस पेज को देखना चाहते हैं तो आप ऑर्डर को डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, वो भी आपके लिए खुला हुआ है। अब ये जो एक पॉइंट नंबर 4 इसमें बताया गया था, इसमें लिखा गया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इंटरविनर्स यानी कि जो आईए दाखिल करते हैं, आईए क्या होती है, जब आप किसी केस में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि आप उस केस के अंदर आईए के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस आईए को कोर्ट के माध्यम से अलाउ किया गया है, यानी कि आप सम्मिलित होना तो चाहते हैं लेकिन कोर्ट कई बार सम्मिलित नहीं करती है, वो डिसाइड करते हैं कि आपका इस केस के अंदर कोई लोकस बनता भी है या ऐसे ही आ गए, है ना। इसलिए क्योंकि पीआईएल तो है नहीं है, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आईए दाखिल की जाती है और वो आईए जो दाखिल की गई थी वो इसके लिए थी, क्या थी, आप ध्यान से सुनिए, जजमेंट एंड ऑर्डर, वो आदेश जो कोर्ट के माध्यम से दिया गया था एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड कैंडिडेट के बारे में, यानी कि बीएड की योग्यता को लेकर, विच वॉज डिटरमिंड थ्रू नोटिफिकेशन 28/6/2018 को लेकर, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो जारी किया गया था एनसीटी की बीएड की योग्यता के संबंध में, जो 28/6/2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया था। क्वैश करने का मतलब होता है कि रद्द कर दिया गया था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो यहाँ पे जो आईए दाखिल की गई थी उनमें उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनसीटीई की जो योग्यता डिसाइड की गई थी 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे, वो नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। केस कौन सा था, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर, एंड द इवेंट ऑफ आउटर ऑफ बीएड डिग्री होल्डर, यानी कि इसके अंदर जो बीएड छात्र थे उनको यहां से बाहर कर दिया गया था। फ्रॉम द सेलेक्ट लिस्ट द अपीलेंट्स इंटरविनेंट प्रोसेसिंग बीटीसी डिग्री सेल बी एडजस्ट एंड दे मे बी गिवन अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंगली,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये था कि जो अपीलेंट्स हैं उनके माध्यम से आईए दाखिल की गई थी, और इसमें ये कहा गया कि बीटीसी डिग्री वाले छात्रों को इसमें एडजस्ट किया जाए, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल करते हुए बीटीसी को नियुक्ति दे दी जाए। अब बहुत सारे लोग जो ऑर्डर के ज्ञाता नहीं होते या जानते नहीं हैं, उनका कहना क्या था कि कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो बीटीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर नौकरी दे दी जाए, और जो बीटीसी कैंडिडेट हैं उनको बीएड की जगह पर हटा करके नौकरी रख दी जाए। अब जिस दिन मैंने 35 मिनट का वीडियो बनाया था उस दिन भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, क्योंकि मुझे काम की बातें बतानी थी और मैंने सारी बताई भी थी। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ समझने के लिए। यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया वो आप सभी के सामने है। कोर्ट ये कहती है कि जो आप सभी के लिए चार अलग अलग याचिकाएँ यहाँ पर दाखिल की गई थी, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हो फ्रॉम ओवर ऑल फैक्ट्स, यानी कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दैट फोर कैटेगरी, यहाँ पे चार अलग अलग तरीके की याचिकाएं हैं। पहली याचिका कौन सी है ध्यान से देखिए, पहली याचिका वो है जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो MRC हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी की बात की जा रही है। अब ये कौन से हैं, ये वो OBC SC हैं जिनको ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई थी। अब इनका केस तो फाइनल कर दिया कोर्ट ने, तो पहले चार कैटेगरी में से पहली कैटेगरी कौन सी है, ये MRC वाले और 6800 वाले, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे वो जनरल छात्र हैं जो उनके माध्यम से इस जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने एक बार TET में रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है तो दोबारा इनको रिजर्वेशन का लाभ न दिया जाए। दूसरी पार्टी ये थे, ठीक है, चलो। तीसरी पार्टी कौन सी थी, तीसरी पार्टी वो थी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड थे, जिनका कहना ये था कि उनको 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था लेकिन उनको रिजर्वेशन 1% मिला गया है। चौथी पार्टी कौन सी थी, चौथी IA के माध्यम से दाखिल हुए थे, जिसमें उन्होंने देवेश शर्मा बसेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लगाया गया था। अब मैं आपको हिंदी में एक बात समझा दूं कि यहाँ पे ये लिखा तो हुआ है कि बीएड को बहाल करते हुए बीटीसी को नौकरी दे दी जाए, ये सिर्फ दलील दी गई है, प्रार्थना की गई है। जब कोई याचिका दाखिल की जाती है तो याचिका का मतलब एक तरीके से उसमें पेयर की जाती है, कोर्ट से आप मांग करते हैं कि हमें ये राहत दे दी जाए। तो यहाँ पे BTC वकीलों के माध्यम से याचिका मांग की गई है कि ऐसा कर दिया जाए, बीएड को बहाल करते हुए BTC को नौकरी दे दी जाए। लेकिन मुद्दे की और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो चार मांगे की गई थी अलग अलग, जिसमें एक बीएड को लेकर, एक PH के बारे में, एक आपके OBC SC वाले अभ्यर्थी और एक जनरल वाले अभ्यर्थी, उन चारों में से सिर्फ एक ही मांग को यहाँ पे मान्य किया गया है, और वो कौन सी है आप सभी की, OBC SC को लेकर। अब यहाँ पे आप कहें तो PH भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्योंकि PH का भी मामला रिजर्वेशन से संबंधित है। अब कोर्ट ने कहा है कि भाई नए सिरे से आप चयन सूची बनाइए, तो उम्मीद है कि वो PH के रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी जो मांगे रखी गई थी जैसे कि एक बार आरक्षण देने की, उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, और ना ही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इसके अंदर इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है। तो पहली चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट जब आप सभी के लिए डिस्कशन करती है तो वो सारी मांगों को लिखती है कि भाई एक याचिकाकर्ता ने क्या मांगा है, दूसरे याचिकाकर्ता ने क्या मांगा है। और आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पेज नंबर आपका कौन सा है, 33वें पेज नंबर पर आइए, तो कोर्ट ने यहाँ से डिस्कशन करना शुरू किया है कि अब वो आपको केस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इसका लेखा जोखा क्या है। तो उन्होंने यहाँ पे यही जानकारी दी है कि चार अलग अलग मांगे हमारे पास लेकर के आए थे, जिसमें एक का कहना था कि हमें आरक्षण नहीं मिला है रिजर्व कैटेगरी के अंदर और उनको आरक्षण दिया जाए, एक का कहना था जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का कि भाई एक बार इनको TET में आरक्षण मिल गया दोबारा आरक्षण मत दो, तीसरे फिजिकल हैंडीकैप्ड थे जिनका कहना था कि 4% रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए था लेकिन उनको 3% मिला, 1% नहीं दिया गया, और चौथे थे बीएड को बहाल करने के लिए जिसमें उन्होंने मांग रखी थी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो बीएड कैंडिडेट को लेकर यहाँ मांग रखी गई थी उसके संबंध में अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्ट ऑर्डर को देखेंगे, 50 पेज का है, तो कोर्ट ने यहाँ पे किसी प्रकार की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है। यानी कि इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि जो बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक में बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था वो इसके अंदर किसी भी तरीके से अभी प्रभावी नहीं है और ना ही बीएड को बहाल किया जाएगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन ये बनती है कि अगर कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे भी देती तो निश्चित तौर पर वो फंस जाते। क्यों फंस जाते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में कहा था कि अगर बीएड को
एज ए योग्यता भर्ती में सम्मिलित किया गया है तो उनको नौकरी पर रखा जाए। अब बीएड को एज ए योग्यता ही भर्ती में सम्मिलित किया गया था, वो बात अलग है कि 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जब 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी उस समय गजट नोटिफिकेशन पूरे तरीके से वैलिड था, तो इस आधार पे आज की तारीख में इस ऑर्डर को इस भर्ती में फॉलो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी पहले की निकाली गई है। अब नियुक्ति आज मिल रही है तो इसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे में ये जो ऑर्डर होगा 11 अगस्त 2023 का, जिसमें बीएड को एज ए एलिजिबिलिटी शामिल किया गया था और ना ही बीएड को चैलेंज किया गया था, और जब बीएड चैलेंज हुआ था तब सिंगल बेंच का ऑर्डर आ चुका था, जिसमें सिंगल बेंच के माध्यम से जज के माध्यम से अपने ऑर्डर में एक लाइन लिखी गई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि बीएड की योग्यता विवादित है। तो यहाँ पे एक बात मैं कंफर्म कर दूँ कि ये जो लाइन लिखी गई है वो सिर्फ यहाँ पे मांग की गई है कि बीएड को देवेश शर्मा के ऑर्डर के आधार पर बाहर कर दिया जाए, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ऑफ लखनऊ के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और ना ही उन्होंने इसके अलावा और किसी मामले पर डिस्कशन की है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा बीएड को लेकर जो आपकी योग्यता निकाली गई थी। कोर्ट ने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि यहाँ पे जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन के अंदर बीएड या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था और उसी के आधार पर वो सम्मिलित हुए थे। और एक मांग यहाँ पर आपको और देखने के लिए मिलेगी, अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट नंबर 11 के अंदर कि 24/1/2019 को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें 23वां संशोधन होता है, जिसमें ATI 2019 के अंदर वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसके आधार पे वो संशोधन करते हुए कहते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में सम्मिलित कर लिया जाता है, उनको यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाता है, यानी कि जारी तो आप सभी का बाद में हुआ था 7/3/2019 को, बट यहाँ पे उसको लागू कर दिया गया था 28/6/2018 के आधार पे। तो ये पूरे तरीके से 23वां 24वां संशोधन जो किए गए थे वो सरकार के माध्यम से इस तरीके से किए गए थे, और यहाँ पे जो BTC अधिवक्ता LP मिश्रा है उनके माध्यम से भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया जाता है। उन्होंने अपने जो यहाँ पे दलीलें हैं वो दी हैं बीएड को लेकर, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर कुछ भी कहने से या कुछ भी आदेश देने से दूरी बनाई है। और पेज नंबर 31 पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके संबंध में जानकारी लिखी हुई है, और ये जो डॉक्टर LP मिश्रा हैं ये शिक्षा मित्र या BTC के वकील आप कह सकते हैं, जिनके माध्यम से अपना सबमिशन दिया जाता है 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें वो बीएड को लेकर जो आदेश दिया गया उसको लागू करने के बारे में मांग करते हैं। जैसे कि 32 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपका 3% रिजर्वेशन मिला था PH कैटेगरी को, उनको 4% मिलना चाहिए था उसको लेकर, और यहाँ पे अब सबमिशन आ जाते हैं रेस्पोंडेंट के माध्यम से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी आप सभी के जो सबमिशन है वो आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बीएड को लेकर किसी प्रकार का कोई भी आदेश कोर्ट के माध्यम से नहीं दिया गया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, और ना ही इसमें बीएड को लेकर उन्होंने ये कहा है कि मेरिट लिस्ट जब बनाई जाए तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बाहर कर दिया जाए। जब आप नीचे पेज पर आएंगे तो कोर्ट के माध्यम से सिर्फ एक नई चयन सूची बनाए जाने को लेकर कहा गया है, जिसको आप सभी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको पेज नंबर आना है 50 के ऊपर, तो आप सभी यहाँ पे 4-5 पॉइंटों को देखेंगे। ये 4-5 पॉइंटों पर जो भी जानकारी दी गई कोर्ट के माध्यम से वो सिर्फ वही जानकारी दी गई जो आपकी चयन सूची बनाए जाने को लेकर है, और किसी भी चीज़ को लेकर उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है। तो इन शॉर्ट आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं पहले से लेकर के लास्ट तक जो आदेश दिया जाता है, इन व्यू ऑफ स्पेशल अपील आर डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या दी गई है वो यही है कि 6800 की जो चयन सूची जारी की गई थी उसको सिंगल बेंच के आधार पर रद्द माना जाएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को यहाँ पर सिरे से रिविजिट करना होगा फिर जारी करना होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि रूल नंबर जो आपका बेसिक का है 1981 रूल नंबर 14 और जो 36 जो आपका रिजर्वेशन एक्ट है उसको फॉलो करना है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी जनरल की कट ऑफ को पार करता है तो उसको वहाँ पे UR की सीट पे OBC/ST का अभ्यर्थी उसको UR की सीट पे नौकरी दी जाएगी, और द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल आरक्षण जो होगा वो यहाँ पे रिजर्वेशन के रूल्स के आधार पे दिया जाएगा। प्लस और जो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट अगर आते हैं और उनकी जगह पे अगर कोई पहले से चयनित है उसको बाहर करना पड़ता है तो सेशन बेनिफिट देना होगा। और इसके अलावा जब आप नीचे जाएंगे तो सिंगल बेंच का ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया जाता है और 3 महीने का समय दिया जाता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा आप सभी के सामने क्लियर है कि कोर्ट ने बीएड को लेकर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ये पूरे तरीके से कंफर्म है, यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से सेफ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।